क्वेश्चन नंबर नाइन करें स्टार्ट। देखिए कहता है द फॉलोइंग फिगर वॉर एक्सट्रैक्टेड ए लिमिटेड किसी कंपनी का है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के शेयर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इसका फेस वैल्यू तो सेम ही है बट पेड अप वैल्यू डिफरेंट है। पहले का फुल्ली 30 और 25। जनरल रिजर्व दे दिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, डेप्ट का मतलब होता है लाइबिलिटी, डेप्ट का मतलब होता है लाइबिलिटी, टोटल टेंजिबल एसेट्स भी दे दिया आपको। इसका मतलब सर इसी का टोटल दे रखा है इसने, आप ध्यान से देखोगे तो इसी का टोटल मिलेगा आपको। तो हम भी यही करते हैं, टोटल एसेट्स दे दिया, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेस टैक्स आफ्टर टैक्स दे रखा है एस्टिमेटेड 50,000 रुपए एंड एस्टिमेटेड रेट कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो ये वाला रेट और प्रॉफिट इस्तेमाल होगा किसके लिए, डिविडेंड यील्ड किसे, हमें वैल्यू ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए। कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैपिटलाइजेशन अर्निंग मेथड, ठीक है सर एक न्यू है ये अभी सीखा नहीं है। अर्निंग कैपेसिटी ये तो सीख लिया डिविडेंड वाला, और नेट एसेट्स भी सीख लिया, ये दोनों तो सीख लिया। पहले हम फटाफट ये दोनों कर लेते हैं, लास्ट में हम ऊपर वाला कर लेंगे फॉर्मूला लिख के, सिंपल सी बात है। तो आइए सबसे पहले कौन सा सीखा था वही अप्लाई करते हैं, हम नेट एसेट सीख लेते हैं। सर नेट एसेट्स में क्या कहता है, एसेट्स की वैल्यू ले लो, तो हमें टोटल एसेट्स दे रखा है दैट इज 750, इसमें से माइनस कर दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ है अगर कोई, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करें तो 75,000, प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो जीरो, कोई फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा 6,00,000। ये क्या आ गया हमारा, इसके अंदर ऐड कर दो क्या सर, नोशनल नोशनल कॉल, सर नोशनल कॉल क्या होगा, जितने पेड अप नहीं है, यानी सर एक शेयर हमारा 5,000 जो बी वाला है, और सी वाला जो हमारा 5,000 बी वाले में 50 के बदले 30 दे चुका है, तो इसका मतलब 20 आएगा, और सी वाले में 50 के बदले 25 दे चुका है तो कितने आएंगे 25। तो इसका मतलब सर 50 × 20 1,00,000 और 25 कितने हो जाएंगे, ये क्या करना है हमें ऐड ऑन कर देना है, क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, टोटल करिए क्या आता है। हालांकि इसको मैंने पिछली क्लास में एक और मेथड से भी बताया था, नौ लाख कितने आ गए, अगर 9,00,000 रुपए तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नेट एसेट से कितने का, नंबर ऑफ शेयर्स देख लो कितने, 5, 10 और 15 हो गए ना, तीनों को जोड़ देंगे तो डिवाइडेड बाय 15, ये 60 रुपए का आ गया, यानी ए वाला जो है फुल्ली पेड अप है तो ये 60 ही रहेगा, बी वाला जो है 60 में से कुछ पेमेंट नहीं आए तो उसे माइनस कर देते हैं जो नहीं आया, यानी कितने नहीं आए 20 रुपए, तो 20 माइनस करिए ये कितना आ जाएगा, और सी वाले में 60 में से माइनस करिए कितने नहीं आए 25, तो कितने आएंगे 35। तो ये आपका तीसरे वाला आंसर मैंने फाइंड कर दिया। तीसरा आंसर अब डिविडेंड वाले पे आ जाएंगे, डिविडेंड के बाद लास्ट वाला सीख लेंगे। बताइए डिविडेंड वाले के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, गिवन है, इस प्रॉफिट में से कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो वो भी कर देंगे, और कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो भी कर देंगे, दो ही चीज माइनस करते हैं। और इस मजे की सवाल देखो, इसमें ना तो जनरल रिजर्व की बात कर रहे हैं और ना ही प्रेफरेंस शेयर है, तो सिंपल इसी को हम क्या मान लेंगे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही हम सीधा डिविडेंड निकाल सकते हैं, पीछे ही कर लेते हैं। डिविडेंड रेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ
और इंटू में 100। सर इस सवाल के अंदर आप बताइए प्रॉफिट फॉर इक्विटी कितना होगा सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद। हमें प्रॉफिट दे रखा है 50,000 और इसमें जिन जिन चीजों को माइनस करना सीखा है सर, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस, सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर माइनस, इस सवाल में है क्या वो? तो हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी भी कितना ही आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है सर, 50,000 आ गया। डिवाइड वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितने हैं, जितना पेडअप का वैल्यू आया वो, यानी दैट इज 5,00,000 इंटू में कितने आगे बताओ, हाँ 9.5% ना, सही से देख लो एक बार, ठीक है। अब हमारा वैल्यू ऑफ शेयर क्या आएगा सर, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या आएगा, आएगा हमारा डिविडेंड रेट डिवाइडेड नॉर्मल रेट इनटू में पेड अप। तो सर डिविडेंड रेट कितना है, हर किसी का पेड अप अलग अलग है ना, हर किसी का पेड अप अलग है तो हर किसी का अलग अलग निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिख दिया। यहां पे हमारे पास कौन कौन है सर, ए है, बी है और सी है। अगर बात करें तो डिविडेंड कितना आया हमारा, 9.5 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, सवाल में दे रखा था क्या दे रखा था हमें, 10 रुपए, 10% यानी यहां पे पेड अप पूरे 10 है, 10 था कितने, 50 है पूरे 50 सर, यहां पे पेड अप कितने हैं 50, यहां पे आएगा 9.5 डिवाइडेड बाय 10, पेड अप कितने थे 30, यहां पे 9.5 डिवाइडेड बाय 10 पेड अप कितने थे, तीनों के रेट अलग अलग आ जाएंगे सर, बताइए पहले का क्या है, कितने 47.5, दूसरे का 28, तीसरे का 23.75, दूसरा हो गया, ये पॉइंट में आगे पीछे हुआ होगा, 80 आ रहा है, 28.56 पॉइंट में फ्रैक्शन में जा रहा होगा, दूसरा भी डन। अब कौन सा करना है हमें, पहला, पहला कौन सा मेथड है, कैपिटलाइज मेथड। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है अर्निंग थोड़ा इधर कर दे, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर इनटू में पेड अप शेयर, इनटू में पेड अप शेयर। अगर हम पहले की बात करें, अर्निंग कितना था हमारा, मैं यहीं पे एक अप्लाई करके दिखाता हूं, 50, और पहले का इक्विटी कितना था, 5,000 इनटू में 50, 2,50,000, नहीं नहीं इसका अलग होगा थोड़ा, इसमें रेट भी दे रखा था ना सवाल में, रेट दे रखा है 10 ना तो इसका हो जाएगा 10% रेट है 2,50,000 का, 25,000, तो 50 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू में 45.5,
10% हमारा है 5,000, 5 लाख, 5,25,000, 5,25,000। चलिए इसका फॉर्मूला बना देते हैं। देखिए फॉर्मूला नॉर्मल कैपिटल डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल इनटू में पेड अप रुपीस। अभी इतने सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। सर नॉर्मल कैपिटल कैसे आता है? इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय रेट। याद होगा आपको गुडविल में भी सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते थे, रेट को रिवर्स करोगे तो पूरा कैपिटल आ जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। सर कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है? मेथड बोल लो आप। फॉर्मूला कहता है सर नॉर्मल रेट के हिसाब से कैपिटल डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू में पेड अप वैल्यू। जो हमारा वैल्यू है हमें ए का निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल क्या होता है? प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। सर प्रॉफिट सवाल में कितने का था? रेट कितना था? 10 इंटू में 100 तो कितने आ गए? 5 लाख। ये नॉर्मल कैपिटल आ गया। ठीक है फॉर्मूले में पुट करते हैं। नॉर्मल कैपिटल कितने हैं? टोटल पेड अप कैपिटल ढूंढिए। बताइए टोटल कितना कैपिटल है जितना पेड अप हो चुका है? कौन बताएगा टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? सवाल में 5,25 जितना दे रखा है वही होगा। और पहले वाले का 50 रुपये पेड अप था इनटू में 50। दैट इज 47.61। दूसरे का भी डिवाइडेड बाय 5,25 इंटू में
कितने थे? 30, 28 पॉइंट, तीसरे का भी 5 लाख, कितने थे? 25। ट्वेंटी थ्री पॉइंट, तो आप देखोगे इसका 47, 28 और 23, और इसका भी रेट कितना आया था? 47, 28 और पॉइंट का थोड़ा बहुत फर्क होगा, और दोनों का आंसर यहाँ पे वही लिख रखा है जो कि समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, हाँ जी बताइए, क्लियर है आपको? किसी को डाउट? जितने बच्चे लाइव है बता दे फटाफट, कोई डाउट है तो अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन 10, टेन दो पार्ट में है। चलिए कुछ अब 10 ईयर के सवाल देख लें, ठीक है? अभी तक कितने करे हैं तो आप देखोगे 10 ईयर के सारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? चलिए कुछ एक 10 ईयर का देखते हैं। अरे कहाँ चला गया, यहां लेंगे 10 ईयर के सवाल को। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, 10-10 नंबर के। क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी, ठीक है सर, शेयर एज पर इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। कौन सा होता है इंट्रेंसिक वैल्यू? नेट एसेट्स मेथड होता है। डिविडेंड वाले का बोलता है अर्निंग मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड, और कैपिटलाइजेशन वाले का कैपिटल। इंट्रेंसिक कौन सा? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए वैल्यू ऑफ एसेट्स चाहिए। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है सर, कोई काम का नहीं है। हाँ सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमारा रूल आता है इसके अंदर, ऐसे बात नहीं है नहीं आएगा। इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करने के काम आएगा। एक्सपेक्टेड अर्निंग सर किसी काम का नहीं है। एनुअल ट्रांसफर रिजर्व किसी काम का नहीं है। ये सारी बातें तो डिविडेंड वाली बात कर रही है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। नॉर्मल डिविडेंड रेट ये भी काम का नहीं है, ये तो हम डिविडेंड यील्ड वाले में निकालते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये है सर काम का, और फिक्टिशियस एसेट्स है काम का। यानी आपको लाइबिलिटी साइड में शेयर्स दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। तो टोटल एसेट्स देखिए, टोटल एसेट कैसे निकालेंगे? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल रख लेंगे आप। कितने दे रखे हैं? 1000 शेयर 10 रुपए वाला, लेकिन पेड अप तो 8 है ना, तो 80,000 हो जाएगा। 10,000 है ना, 80,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं सर? 10,000, 10 वाला फुल्ली पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस सर, रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 2.5 लाख। और सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने का? 75 का। तो टोटल करिए, एसेट आ गया कितने? 27 लाख। कहां से आएगा? 5,05,000। ठीक है, अब 5,05,000 को एसेट्स को ठीक कर लिया जाए तो दैट इज एसेट्स कितना है हमारा? 5,00,000।
इसमें सबसे पहले ऐड कर लो नोशनल कॉल। सर नोशनल कॉल ₹2 होगा 10,000 पे, दैट इज 20,000। लेस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लेस कर दो फिक्टिशियस एसेट्स, यही सीखा है ना हमने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 1,00,000। ये सारे माइनस हो जाएंगे और फिक्टिशियस एसेट सवाल कह रहा था ये वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गए, दैट इज 4,05,000। लाइबिलिटी भी रहता है ना, फिर वही एरर हो जाता हमसे, है ना। लेस मैं रफली कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन गिवन है। लाइबिलिटी कितने का था? 75। 3,00,000। वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं? 10,000। 33 रुपये। 31। माइनस प्लस गलत किया क्या? देखो टोटल माइनस प्लस तो गलत नहीं किया। 5,05,000 भी वही था भाई, 20,000 नोशनल कॉल। ओके नोशनल कॉल विदाउट ऐड किए हुए किया हुआ, हमने नोशनल कॉल करके किया, बस ये फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी नोशनल कॉल ऐड करेंगे ना, क्योंकि सवाल में कहीं भी नहीं कह रहा है कि फ्यूचर नियर बाई है, बस एज पर इंट्रेंसिक वैल्यू कह रहा है, तो आप अजम्पशन ले लेंगे कि नोशनल कॉल जो नियर बाई वो कॉल मांगेगा, ये नोट देना पड़ेगा आपको ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल में पता नहीं चलेगा। और अगर आप नहीं ले रहे नोशनल कॉल तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि नियर बाय फ्यूचर में वो डिमांड नहीं करेगा। और नियर बाय फ्यूचर में डिमांड कब करता है, आपको क्वेश्चन कई बार हिंट देता है, वो लिक्विडेशन की साइड जा रहा है, तो जब कंपनी बंद होने जाएगा तो वो डिमांड कर लेगा आपसे, ठीक है ना, लिक्विडेशन के टाइम पे। अगर कहता है कंपनी लिक्विडेट होने हो रहा है तो समझ लेना नियर बाय फ्यूचर मांगा ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से था, बस वो है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, कुछ कैपिटल इक्विटी दे रखा है और रेट वगैरह दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर इक्विटी अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटी एंड फिक्टिशियस एसेट, अज्यूम आउट ऑफ द टोटल एसेट्स वर्थ 350 फिक्टिशियस। तो सर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिविडेंड यील्ड मेथड में तो एसेट्स का कोई मैटर ही नहीं है, तो सिंपल यहाँ कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट वगैरह निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंट्रेंसिक वैल्यू शेयर भी निकाला, क्या सवाल में रिक्वायरमेंट है क्या? या मैंने हाँ इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर एंड डिविडेंड भी दोनों है, तो अब दोनों हो जाएगा ये। नाउ क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है वॉइस? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो मैंने होमवर्क में नहीं दिया, ये वाला ना मैंने पढ़ा जरूर बट होमवर्क में नहीं दिया, क्योंकि इसको मुझे कराना है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में है एज इट इज,
हो जाएगा, सिंपल है, एग्जाम 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप अगेन देखेंगे, सेम क्वेश्चन टाइप रिपीट हुआ जो मैंने अभी किया है, ठीक है ना, सरप्लस डिविडेंड, मेरे को लगता है सेम क्वेश्चन तो नहीं है अभी आंसर से, हाँ सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया ये, एक बार लिख लेना किसी पे रिपीट क्वेश्चन है, ये तो करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, अगेन लाइबिलिटी इक्विटी सारी बातें दे रखी है, इस टाइप के सवाल भी हमने किए हैं, फिक्टीशियस एसेट्स भी दे रखा है आपको, कंपनी के शेयर इंट्रेंसिक से भी निकालना, यील्ड से भी हो जाएगा। देखो ये 10 नंबर का 15 नंबर का सवाल आता है, तो आपने अभी तक दूसरी ही क्लास है इसकी, और दूसरी क्लास में देखोगे कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो कर पा रहे हो, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसी तरीके से आपका अगला जो चैप्टर मैं करवाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो भी बड़ा सिंपल चैप्टर है। चलिए सर ये भी होमवर्क में टिक कर लीजिएगा। 8वां सवाल, आपको एसेट्स लाइबिलिटी दे दिया और यहां पे इंट्रेंसिक और ईल्ड मेथड इसने बता दिया, ये भी रहेगा होमवर्क में, तो ये एक सवाल सिर्फ इसके नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे सवाल होमवर्क में।